Assalamualaikum and welcome at Ayub Sports Complex, जहां आज के दिन का पहला फुटबॉल मैच पाकिस्तान एयरफोर्स बमुकाबला पंजाब खेला जा रहा है। 34वें कौमी खेलों के सिलसिले में मैचेस जारी हैं। दानिश, अब तक की इवेंट्स, उनके रिजल्ट्स और क्या आपको एंथुसिएज्म नजर आया? बहुत कमाल एंथुसिएज्म है। आफ्टर ऑल आप बलूचिस्तान आए हुए हैं जनाब, यहाँ के लोग खेलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या फुटबॉल, क्या बॉक्सिंग, क्या कराटे, क्या वुशू, तमाम खेलों से बहुत लगाव रखने वाले लोग बलूचिस्तान में आपको मिलेंगे। यही वजह है कि तमाम अरीनास भरे हुए नजर आते हैं इरफान साहब। एग्जैक्टली, एंड इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। जियो सुपर ये तमाम मुकाबले बराह रास्त आपके लिए आपके घरों को भी टेलीविजन स्क्रीन पे ला रहा है। इनकेस हम कोई मुकाबले मिस भी करते हैं तो उसकी अपडेट्स देते हैं और साथ ही साथ हम उनकी फुटेजेस भी चला रहे हैं। दानिश, बिल्कुल 19 साल बाद क्वेटा के शहरियों का ये इंतजार खत्म हुआ है। उनको बिलाकर मौका मिला है नेशनल गेम्स होस्ट करने का। 34वें नेशनल गेम्स में बयक वक्त मुतादन मुकाबले हो रहे हैं। यही वजह है कि एक मैच अगर हम आपको लाइव दिखा रहे होते हैं तो साइड बाई साइड ऑन दी अदर साइड हम आपको वॉलीबॉल के मुकाबले, बॉक्सिंग के मुकाबले और दीगर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी भी अपडेट्स देते रहते हैं। और जबकि मुझे मेरे बहुत से एथलीट से बात हुई, लगभग 6000 एथलीट्स आए हुए हैं, बड़े ही पुरजोश हैं। एक तो वेदर को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी फैसिलिटीज मुहैया की गई हैं यहाँ। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑल सेट फॉर द फर्स्ट मैच ऑफ द डे टू बिगिन। पाकिस्तान एयरफोर्स और उसके साथ पंजाब की टीमें ग्राउंड में एंटर होने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। एग्जैक्टली, तो भी बैकग्राउंड देख रहे होंगे आप, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेज पंजाब, तो बड़ा कांटे का मैच होगा क्योंकि हमने पिछले मैचेस में देखा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी दोनों ही टीमों ने। अब देखना यह है कि क्योंकि हर राउंड हर ग्रुप में तीन टीमें हैं, एक टीम ने आगे निकलना है, तो डू एंड डाई मैच है दानिश। अब आहिस्ता आहिस्ते जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है हमें मुकाबले भी और कांटेदार देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे टीम्स को मौका मिल रहा है इन टर्फ्स पे खेलने का, वो सिचुएशन से भी कंडीशन से भी हम आहंग हो रहे हैं। कल के आपने वेदर का जिक्र किया, क्या रोमांटिक मौसम था कल इरफान साबिर। आज जरा चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है बट क्वेटा का मौसम फौरन बदल जाता है। एग्जैक्टली, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अब आलूद हो जाएगा मौसम यहाँ का। इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ वेन्यूज पे मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं जो वक्तन फौक्तन हम आपके लिए लाइव लेके आएंगे। इन केस यू मिस इट आउट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, यू कैन लॉग ऑन टू www.jiosuper.tv/live। दानिश, हर तरह की सहूलत मुहैया है। बिल्कुल, हर तरह की सहूलत मुहैया है। और ये जो इरफान साहब ने अभी आपको फैक्ट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एथलीट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको अपनी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, उनको अपनी फाइट्स देखनी है, उनको अपने मैचेस देखने हैं, तो www.jiosuper.tv/live जैसे इरफान साहब ने बताया आप यहाँ पर जाएं, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी अगर आप लाइव ट्रांसमिशन मिस भी कर देते हैं। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ऑल सेट फॉर द फर्स्ट मैच ऑफ द डे, फॉर द फर्स्ट इवेंट ऑफ द डे। इट्स अ फुटबॉल मैच बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पंजाब। दोनों ही टीमें तगड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ नेशनल गेम्स में आई हैं। एग्जैक्टली, और स्पिरिट्स भी काफी हाई होंगी दोनों टीमों की, यंग्स प्लेयर्स पे मुश्तमिल। इसके साथ साथ तजर्बे का भी इम्तिजाज शामिल है। जैसे जैसे दिन आगे की तरफ जाएगा तमाशाइयों की तादाद ज्यादा बढ़ती जाएगी। वर्किंग डे है तो सहपहर के बाद तमाशाइयों की तादाद बढ़ जाती है। धूप की शिद्दत, सूरज पूरी आबोताब से चमकता हुआ मगर साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आपके सामने मैच ऑफिशियल्स ये दोनों कप्तानों को ब्रीफिंग देते हुए और टॉस किया। टॉस में ये डिसाइड होगा कि कौन शुरू करेगा और गोल पोस्ट कौन सी मुंतखब की जाएगी। कप्तान एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, और अभी तक थ्रू आउट नेशनल गेम्स हमने बड़ी ज़बरदस्त कॉमराडरी देखी है, चाहे जिस स्पोर्ट की भी बात की जाए, बड़ी ज़बरदस्त फ्रेंडली एटमोसफियर हमने देखा है। तब तक जब तक मैच शुरू नहीं हो जाता, मैच में हमें कांटेदार कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है, लश ग्रीन आउटफील्ड। मोस्टली लोगों को शिकायत होती है कि बंपी ग्राउंड्स, बट दिस ग्राउंड इज एब्सोल्युटली लेवल। आपके सामने पीएएफ का स्क्वाड, गजनफर गोलकीपर हैं, सुफियान, एआर रहमान, मेहदी हसन, फहीम, नेक आलम, दानिश, मंसूर, यासिर, वासिफ, मुजाहिद कप्तान है इनके, ईसा अली, रजा, उमेर अली, इरफान अली, हसीब, फैसल, फरहान, मामून, शहजाद अनवर इनके कोच होंगे। इनके सामने होगा पंजाब का स्क्वाड। अली वहाब गोलकीपर है, मोहम्मद नवीद, हामिद जफर, रहमान सईद, रोजर फाल्कन, मोहम्मद सुलेमान, उमैद अरशद, नबील शौकत, फैज जैब, मोहम्मद अदील, मुबशर अली, अरबाज, मोहम्मद आजम, शाहिद फरीद, फरहान, मोहम्मद फैज, मोहम्मद सरवर और अनिल मसी इनकी टीम का हिस्सा है, जबकि मोहम्मद आमिर खान कोच होंगे। दोनों टीमें अपनी हिकमत अमली को आखिरी
टच देते हुए ये वॉच आपने देखी, ऑफिशियल वॉच इसी घड़ी के टाइम के मुताबिक पूरा मैच खेला जाएगा। डग आउट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर यू दानिश। मौसम अगरचे थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा है मगर हवा इस गर्मी को थोड़ा निगेट कर रही है। बिल्कुल फान साहब, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा हवा भी तेज़ चलना शुरू हो जाती है, मौसम बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। कल आप मौसम के 2 से 3 रंग देखे होंगे, धूप, गर्मी, उसके बाद बादल, उसके बाद तेज़ आंधी, उसके बाद मूसलाधार तो नहीं मगर थोड़ी बूंदाबांदी और उसके बाद फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई। तो विद इन द स्पैन ऑफ 2 आवर्स, इसी के साथ किक ऑफ, पंजाब ने खेल शुरू किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम आपको नजर आ रही है व्हाइट किट में मलबूज, जबकि पंजाब की टीम आपको नजर आ रही है ब्लू और ब्लैक किट में मलबूज। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाफ में खेल होता हुआ राइट आउट की पोजीशन पे बॉल लेके 16 नंबर में तेजी से आगे बढ़ते हुए कट किया यहां से अंदर की जानिब, पास देना चाहते थे 3 यार्ड में, गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे, बाल गोलकीपर के हाथ में, एक मरतबा फिर करीबी बाल छीनने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि वो शुरू से ही खुलकर खेलेंगे, शुरू से ही चढ़कर खेलेंगे, भरपूर इंटेंसिटी के साथ इस गेम का आगाज किया है। मोहम्मद नवीद कप्तानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं पंजाब के लिए। ये देखिए आप यहाँ पे बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल किया बल्कि पुश करके गिराया, फाउल मिला है। नबील शौकत तैयार हैं किक लेने के लिए, अच्छी किक 18 यार्ड में मगर वहां पे डिफेंडर्स अलर्ट थे, बॉल को क्लियर किया। पंजाब इन पोजेशन ऑफ द बॉल, राइट विंग से मूव क्रिएट करने की कोशिश, डीप पुश किया था बट साइडलाइन से बाहर चले गई बॉल। मुबशिर को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक स्प्रिंट लेंगे मगर मुबशिर ये बॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, साइडलाइन से बाहर थ्रो इन। एक मरतबा फिर थ्रो इन हासिल किया है पंजाब की टीम ने। Throw in favor of Punjab here. Punjab ने अपना पहला मैच सिंध प्रोविंस की टीम के खिलाफ खेला था और उनको उस मैच में शिकस्त हुई थी। आज यकीनी तौर पर अपनी हिकमत अमली को कुछ तब्दील करके ग्राउंड में आए होंगे। यकीनी तौर पर उन्हें पता है कि एक शिकस्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि छोटे पूल्स हैं। नवीद कप्तान है टीम के सेंटर लाइन के पास। राइटली सेड इरफान साबिर, ये उस किस्म का टूर्नामेंट है कि इसमें आप एंटर हों तो आप ये सोच के एंटर हों कि डू और डाई मैचेस हैं सारे, यू हैव गॉट टू विन। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेजेस बट अगेन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल गेम। पाकिस्तान एयरफोर्स फाइनली गेटिंग द पोजेशन ऑफ द बॉल, दानिश के पास बॉल, राइट विंग से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मूव्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक पास आपकी बार मेहदी हसन के लिए, मेहदी हसन पास इट ऑन टू वासिफ हु कुडंट कंट्रोल इट। ये कोच काफी एनिमेटेड, हेड लगा के बॉल को साइडलाइन से बाहर फेंका। अदील आ रहे हैं थ्रो इन लेने के लिए, थ्रो इन लिया। सेंटर में खेल होता हुआ। राइट, मीनवाइल पाकिस्तान एयरफोर्स अब पोजीशन हासिल करते हुए फरहान का पास डीप राइट विंग की जाने पास जहां पर दानिश मौजूद हैं। किक की थी दानिश के जिस्म पे लगी, जमीन पे पड़े हैं। एक्चुअली दानिश ने किक की थी, दानिश ने किक की जो पंजाब के डिफेंडर के जिस्म पे लगी। हाँ, एक जफर है। दिस शुड टेल यू, जब इस किस्म की किक डायरेक्ट आके सीने पे लगती है तो जी हवा खुश्क हो जाती है। दे डोंट हैव एनी गार्ड्स। वेल,
थ्रो इन लेने के लिए तैयार, मगर सही थ्रो इन नहीं लिया था। हामिद आए थ्रो लेने के लिए। हामिद जफर, इनका ताल्लुक पंजाब से, अच्छे लेफ्ट फुल बैक हैं। एक बार फिर पाकिस्तान एयरफोर्स बॉल का पोजीशन हासिल करने में कामयाब। काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गेम हो रहा है इस वक्त, और ग्राउंड पास के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अच्छा क्रॉस आया, यहां पर डेंजर हो सकता है, और ये गोल, फर्स्ट गोल फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स कर्टसी अब्दुल रहमान, जो सही वक्त पर सही पोजीशन पर मौजूद थे। बहुत उम्दा क्रॉस, इस क्रॉस की जितनी दाद दी जाए कम है दानिश, बिल्कुल टारगेट पे था। अगरचे कप्तान ने हेडर मिस किया था, आप एक्शन रिप्ले में देखेंगे कप्तान आए हेडर मिस किया, मगर यहाँ पे मौजूद थे इनके फॉरवर्ड और उन्होंने कोई गलती नहीं की, बॉल को सीधा नेट में फेंका और मैच के शुरू के लम्हात में ही सबकत हासिल कर ली। एक्चुअली मुजाहिद डिलिबरेटली डिड दैट, वो डिलिबरेटली डायरेक्ट गोल पोस्ट पे नहीं गए क्योंकि उन्होंने देख लिया था वहाँ पर सपोर्ट के लिए अब्दुल रहमान मौजूद है, दैट्स व्हाई दे कुड मैनेज द गोल, वरना गोलकीपर उसको रोक सकता था। एग्जैक्टली, अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन व्हिच रिजल्टेड इन गोल। So, Pakistan Air Force 1, Punjab 0. Still the early days for this match. Punjab ko focus karna hoga, aap dobara character show karna hoga, comeback karna hoga. Kis tarah se bounce back karti hai Punjab ki team. Ye na sirf khiladiyon pe balki unke coach pe bhi unhe asir karta hai. Bilkul zarur nahi ki agar aap piche hon to aap हिम्मत हार जाएं, अगर आप लड़ते रहें तो आप किसी भी सिचुएशन से कम बैक कर सकते हैं। दिस इज द स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट। अदील का थ्रो इन, चिनी बॉल, बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे फैजेब, अच्छा पास फैजेब के पास दोबारा आता मगर बॉल छिन गई। उमैद रशीद थे वहां पे, बाल को कंट्रोल न कर सके। ज्यादा देर पोजीशन रखने की इजाजत नहीं दे रही यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स पंजाब की टीम को, जहां वो मूव क्रिएट करते हैं, डिफेंडर आकर अपना काम करते हैं, अच्छी मार्किंग का मुजाहरा किया जा रहा है इस वक्त। 3-4-3 के कॉम्बिनेशन से, 3-3-4 के कॉम्बिनेशन से खेलती हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम। एक बार फिर राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, बट अनफोर्स्ड एरर, मुजाहिद केम अंडर द बॉल, ट्राई टू कलेक्ट इट एंड थ्रो इन फॉर हिज टीम। रहमान सईद बीच में आए थे, उन्होंने बॉल को क्लियर किया, पंजाब के डिफेंडर हैं रहमान सईद। एक बार फिर मुजाहिद, अच्छा वन टच पास मुजाहिद का, वहां पर वासिफ मौजूद, दैट्स अ गुड पास, नो वन्स देयर। एक बार फिर क्रॉस की मदद से वही मूव क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, कैन बी डेंजरस, यू कैन क्लियरली सी इरफान रिपीट करना चाह रहे थे उसी गोल के मूव को। एग्जैक्टली, अच्छा कनेक्शन था, राइट विंगर बहुत अच्छा फीड कर रहे हैं, जब से मैच शुरू हुआ है उन्होंने बड़ी अच्छी फीडिंग दी है सेंटर ऑफ द डी, और यहीं से कन्वर्ट होती है बॉल गोल के अंदर। नाम क्या है उनका? दानिश। दानिश, आई विश देयर इज समवन इरफान प्लेइंग इन पंजाब। इरफानुल्लाह जरूर हैं। Exactly. Once again, a throw-in for Pakistan Air Force. Wasif ke paas ball. Wasif karne ke liye kashmish, kashmakash, I'm sorry. Mujahid. Ek pata phir right winger Danish ko feed kiya hai. Magar ball thoda sa aage. Sideline cross kar gayi. That was such a brilliant pass from Isa. Thoda sa zyada long ho gaya, warna idea theek tha. क्लियरली विजिबल इरफान साबिर की बड़ी जबरदस्त फॉर्मेशन में मेहनत करके आई हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम। प्रोफेशनल टीम है और आपस में मिल के खेलते हैं, प्रैक्टिस भी इकट्ठी करते हैं, तो उनको एडवांटेज जरूर हासिल है। कंट्रेरी टू द पंजाब बिग प्रोविंस, यू हैव टू सिलेक्ट पर्सन फ्रॉम रहीम यार खान टू मुजफ्फरगढ़। और उसमें भी बड़ी बात यह है इरफान साबिर,
ये जो सिलेक्शंस हैं ये बड़े इवेंट से कुछ टाइम पहले होती है, तो एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले अगर टीम को फॉर्म किया जाए और फिर उन चीज़ों पर काम किया जाए तो इतना वक्त नहीं मिलता आपको। राइट विंग से एक मरतबा फिर दानिश, दानिश कैनॉट बी केप्ट आउट ऑफ एक्शन। अच्छा शूट था 28 यार्ड से बाहर मंसूर का, मगर सीधा गोलकीपर की लैप में। एक बार फिर वासिफ, अब की बार लेफ्ट से मूव क्रिएट करते हुए, मुजाहिद वहां पर मौजूद, मैनेज टू हेड दैट वन। मुबशर अली बाल को लेके आगे जाना चाहते हैं, वन टच पास लिया मुबशर ने, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सेंटर लाइन के पास ड्रिबल किया, अच्छा गैप में पास दिया, मगर बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे लेफ्ट आउट। गजनफर पाकिस्तान एयरफोर्स के गोलकीपर, दैट्स अ प्रीटी गुड गोल किक स्ट्रेट टू वासिफ। मुजाहिद मिडफील्ड में मूव क्रिएट करते हुए शॉर्ट पास, बट पेस नहीं थी इस पास में कि वो फहीम तक पहुंच पाता। सेंटर में इंटरसेप्ट किया नवीद ने, कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, मिडफील्ड में खेल रहे हैं नवीद। साथ ही एक गोल की सबकत के बाद एयरफोर्स ने काफी प्रेशर बढ़ाया है और मुसलसल दानिश एक चीज देखने में आई है कि राइट विंग जो दानिश ने कवर किया वहीं से मूव्स बन रही हैं, लेफ्ट विंग अभी तक काम करना शुरू नहीं किया। बिल्कुल, जो इससे पहले मूव था वो लेफ्ट विंग से क्रिएट करने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन इसमें वो ऊंफ नजर नहीं आया प्रॉब्ली। और एक बार फिर खतरा हो सकता है यहाँ पर, गोलकीपर टाइमली बाहर आए हैं लेकिन यहाँ पर अभी भी खतरा है। ओह, दैट कुड हैव बीन सुसाइड। बहुत ही खूबसूरत मूव, इंतहाई शानदार, मुजाहिद का इसमें बड़ा हाथ था, बाल को उन्होंने गैप में आगे दिया, यहाँ पे स्लिप ना होते अगर इनके फॉरवर्ड तो यकीनी तौर पे खतरनाक होता। आई वंडर इफ दैट वाज द राइट थिंग टू डू फ्रॉम अली वहाब, क्योंकि दो तो डिफेंडर्स कवर किए हुए थे उस स्ट्राइकर को, आपको जरूरत नहीं होती इस तरह आगे आने की, गोल पोस्ट छोड़ने की। यस, इट्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन एंड यू कैन बी रॉन्ग एंड यू कैन बी राइट बोथ। मीनवाइल फाउल की किक मिली है पंजाब की टीम को। ज्यादा प्रिसिशन नहीं पासिस में पंजाब की, अब तक वो चीज देखने को नहीं मिली जो पिछले मैच में मौजूद थी। अदील आए हैं थ्रो इन लेने के लिए, अदील का थ्रो इन मुबशर के पास, ग्रेट डिफेंस फ्रॉम मंसूर देयर, बिल्कुल मौका नहीं दिया रन लेने का यहां पर। एक बार फिर मंसूर रनिंग ऑल द वे फ्रॉम द लाइन टू द सेंटर। राइट विंग दानिश के पास बाल आई है, दानिश बाल को लेके आगे चले, कप्तान को बीट किया, यहां से लंबा शूट लिया मगर डायरेक्शन सही नहीं थी, गोल पोस्ट से काफी ऊपर, अच्छी ट्राई थी दानिश की। इसी तरीके से अगर कंबाइंड मूव्स बनती रहीं तो यकीनी तौर पे गोल स्कोरिंग के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आई रियली डोंट माइंड दैट इरफान साबिर, क्योंकि यहाँ पर दानिश कुछ अलग करना चाह रहे थे, पंजाब शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसी तरह से फॉर्मेशन होगी, बट दानिश वेंट फॉर द गोल, आई लाइक दैट। यस ऑफ कोर्स, यू ऑलवेज हैव टू कम विद सरप्राइजेस, आपको वो करना है जो आपका अपोनेंट सोच रहा है उसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट। पंजाब कोशिश जरूर की थी इस मरतबा मगर सेंटर लाइन के थोड़ा आगे ही पकड़ लिया इस मरतबा। फिर फहीम गेम को आगे बढ़ाते हुए सेंटर लाइन पर, अच्छे वन टच पासिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर ईसा। ओह फाइनली थोड़ा सा ट्रिप हुए जिसकी वजह से क्लियर करने में कामयाब हुए पंजाब के डिफेंडर, ट्रिपल किया था मगर बॉल थोड़ी सी लंबी हो गई ईसा से, बट दे द साइंस आर वेरी वेरी डेंजरस, दे ऑल आर फॉर्मिंग इनटू अ ग्रेट, रियली इट्स अ जियो सुपर प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेटा। 34th नेशनल गेम्स के सिलसिले में ये तमाम मैचेस जारी हैं। फहीम इस बार बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे और यहां पर रैश किक लगाने की कोशिश लगी है उनको, लगी जरूर है, बिल्कुल बॉल हट गई थी, गैप में पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, गोल किक मिली है। लगता है हमने आपकी बात सुन ली थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपकी बार लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट करने की कोशिश, बट उतना सूदमंद साबित हुआ नहीं।
गोलकीपर रेडी हैं गोल किक लेने के लिए. लंबा शूट उनका सेंटर लाइन पे ही इंटरसेप्ट हुआ. एक मरतबा फिर फहीम, बॉल चीनी फैज, फैज जेब के पास बॉल है. फैज जेब से बॉल अब आई है राइट आउट के पास. मुबशर अली थे, बॉल को छिनवा बैठे. एक मरतबा फिर मुबशर अली. वासिफ बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए. मुजाहिद प्लेइंग हिज रोल इन द मिडफील्ड. दानिश एक बार फिर मूव क्रिएट करते हुए. आप देखिए मुजाहिद सीधे लेके आगे जा सकते थे बॉल को, लेकिन उन्होंने फौरन फीड किया दानिश को कि वहां से मूव बनाए. एग्जैक्टली, और उन्होंने लेफ्ट विंगर को फीड किया, वहां पे कोई नहीं था. सेंटर लाइन तक लेफ्ट विंग खाली रहा. क्लियरली फोकस नजर आता है यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का राइट पर. फहीम बॉल को लेके आगे चलते हुए. मंसूर, दानिश हैज बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन द गेम राइट फ्रॉम राइट विंग. यहाँ पे उन्होंने शूट लगाया और पहला कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम. बड़ी फुर्तीले नजर आ रहे हैं दानिश राइट विंग में. आप देखें जैसे ही उनके पास बॉल आता है बिजली सी भर जाती है पूरी मिडफील्ड में. सब एक्टिव हुए हुए नजर आते हैं. एग्जैक्टली, जब आपके विंग्स काम कर रहे हो तो कितनी खूबसूरत मूव्स बनती हैं. दानिश ही लेंगे कॉर्नर किक. अच्छी हाइट और टारगेट पे जंप लगाई. खतरा भी है, ट्राई की मगर डिफेंडर सामने आ गए और उस खतरे को टाला. Oh, that was a good try from Isa. He's not happy with himself. He should have scored from this point. But काफी rush था danger zone में. आप देखें दानिश की corner kick. It was spot on, very accurate, right in the center. वहाँ पर कोशिश जरूर की थी. Apologies for that, Pran Sabir. बिल्कुल. और इसी इस्लाम में injury भी हुई. Defender हैं पंजाब के रहमान सईद. ये टिपिकल कोलिजन्स हैं जो हमें कॉर्नर के वक्त नजर आते हैं. एवरीवन जंप्स फॉर इट. द डिफेंडर्स जंप टू क्लियर द बॉल, द स्ट्राइकर्स जंप टू हेड इट इनटू द गोल पोस्ट. वंडरफुल एरियल व्यूज ऑफ अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हर एंगल से हमारी कोशिश यही है कि ना सिर्फ ये खेल बल्कि इसके इर्द गिर्द की विसिनिटीज, कोयटा का हुस्न, यहाँ के लोग, वादी के पहाड़, हर चीज़ की सैर कराई जाए. वंडरफुल कैमरा वर्क दानिश. बिल्कुल फान साहब, एंड व्हाट अ ब्लेसिंग अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज. इमेजिन वन फैसिलिटी जहाँ पर तमाम नेशनल गेम्स के स्पोर्ट्स हो सकते हैं. सच अ ब्लेसिंग फॉर पीपल हियर इन क्वेटा, क्योंकि अब यहाँ पर जिमनेजियम भी बन चुका है और बॉक्सिंग जिमनेजियम तो था ही, अब वर्कआउट के लिए भी जिम यहाँ पर बनाया जा रहा है जहाँ पर एथलीट्स आकर वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को बेहतर बना सकते हैं. आहा, ब्यूटी ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान. ये बर्फपोश पहाड़, अब से चंद महीने पहले आते तो यकीनी तौर पर आप ये तमाम बर्फ की चोटियाँ देख सकते थे. ये गवादर के मनाजिर हैं. गवादर, another beautiful city of Balochistan, coastal city. ek coastal highway aapke samne, iske sath se jangalat aur pahad. meanwhile yahan par khatra lahak tha punjab ki goal post par, but usko clear karne mein kamyab hue punjab ke defenders. aerial kick laga ke clear kiya danish hikmat amli. ab yahi nazar aa rahi hai kisi tarah pressure ko release kiya jaye uske baad formation banayi jaye. But on the toes, Pakistan Air Force, if you talk about their defense, either midfield or forwards, one thing that they are lacking is their left winger. Mubashir, magar smartab abhi Mubashir ball ko sahi se na clear kar sake. Throw in mila Mubashir ka throw in. Khiladi se rebound ke wapis aaya. Bilkul bilkul pace generate karne ka mauka nahi de rahi hai yahan Pakistan Air Force ki team. ये देखिए किस कदर खूबसूरत ज़ियारत की एंट्रेंस थी. वाह, होप यू विल विजिट बलूचिस्तान थॉरली वेयर एवर यू आर, स्टे सेफ. बिल्कुल, पाकिस्तान की मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस का रुख करते हैं सयाह, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर फॉरेनर्स. इफ यू आर लिसनिंग टू अस एंड यू आर नॉट इन पाकिस्तान एंड यू आर समवेयर एल्स, well, you're more than welcome to visit Quetta. It's safe, it's beautiful, it's full of people with so much to offer. Meanwhile, Fahim,
मंसूर सेंटर में बाल दिए, यहां से एक मरतबा फिर दानिश को फीड करने की कोशिश की गई, मगर डिफेंडर्स ने बड़ा अच्छा मार्क किया हुआ था पंजाब के डिफेंडर्स ने, जबरदस्त अंदाज में इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए यहाँ पर नेक आलम के पास को। आज के दिन का जो दूसरा मैच होने वाला है इरफान साबिर फुटबॉल का ही, और इस दौरान ऑफसाइड, वी सॉ इट कमिंग, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी निकल आए थे। दूसरे मैच का जिक्र कर रहा था मैं, इट्स गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान पुलिस एंड सिंध, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है सर, क्योंकि आपको याद होगा गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट पाकिस्तान पुलिस ने जीता था और सिंध को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर वो फाइनल में पहुंचे थे। एग्जैक्टली, सो If you are listening to us, stay tuned for the second match as well. Unfortunately, मैं उस मैच में आपके साथ नहीं होऊंगा क्योंकि मैं उस वक्त बॉक्सिंग जिमनेजियम में बॉक्सिंग के मैचेस को कवर कर रहा हूँगा। So I envy you, इरफान साबिर, कि आप वो मैच अकेले एंजॉय करेंगे। खैर अकेले तो नहीं करेंगे, जियो सुपर की पूरी व्यूअरशिप के साथ हम एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी, हम पूरे पाकिस्तान बल्कि 45 ममालिक में जो हमारे नाज़रीन हैं उनके साथ एंजॉय करेंगे ये मैच। क्या बात है आपकी, लंबी किक लगा के क्लियर किया इस मरतबा। पंजाब अब तक एक गोल के खसारे में, 20 मिनट हो चुके हैं पहले हाफ को, मौसम की शिद्दत अब भी बरकरार, अगरचे हवा चल रही है। लॉन्ग पास, मुजाहिद बॉल के नीचे आते हुए, उनके साथ साथ डिफेंडर मौजूद, ही इज लुकिंग फॉर दानिश, फाइंड्स हिम, दानिश एक बार फिर एरियल पास की तरफ जाएंगे, डज दैट, मंसूर वहां पर मौजूद, गेट्स द बॉल, फहीम की बहुत उम्दा ट्राई, बहुत उम्दा ट्राई, यू कैन मिस इट एंड यू कैन पुट इट इनटू द गोल बिकॉज़ यू डोंट हैव अ टाइम। ये देखें, ऑन द बाउंस लिया था इस बार फहीम ने, आप देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया यहां पर, वन टच करके फहीम को पास दिया, ऑन द बाउंस ही उसको किक किया, स्लाइटली ओवर द गोल पोस्ट, गुड ट्राई, दिस टाइप ऑफ एफर्ट्स कीप ऑन प्रेशराइजिंग योर ओपोनेंट। अच्छा खेल पेश कर रही है यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम, एक बार फिर ईसा को टैकल किया गया जमीन पे, ईसा सेंटर में पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, नेक बीच में थे, दानिश का अच्छा वन टच पास फहीम के लिए, बॉल छिनवा बैठे फहीम, अच्छी ड्रिबलिंग, सेंटर लाइन के करीब पहुंचे हैं, यहां से गैप में पास दिया है मुबशिर को, मुबशिर बाल का कंट्रोल हासिल किया, 18 यार्ड में फेंका मगर फॉरवर्ड आगे निकल चुके थे, दैट कुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस। दानिश एक बार फिर बॉल को अपने कंट्रोल में लाते हुए जबरदस्त पासिंग का मुजाहरा कर रही है यहां पर, आप देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम किस तरह उन्होंने झमघट्टे से निकलकर बॉल को ओपन किया, गेम को खोला, इट्स अ गुड टेक्निक टू चेंज वेरी क्विकली From left to right, right to left, नेक की तरफ से दानिश को फीड किया गया है, राइट आउट की पोजीशन पे बाल का कंट्रोल संभाला, आगे आते हुए और सीधा गोलकीपर के हाथ में फेंक दिया, आइडिया ये था कि कर्व शॉट मारे। दानिश सीम्स टू बी अ मास्टर ऑफ दीस क्रॉस पासेस, कमाल क्रॉस पासेस दिए अभी तक उन्होंने, क्या एक्यूरेसी के साथ पास दिया है, जब जब क्रॉस लगाते हैं उन्हीं के प्लेयर के पास बॉल आती है, आफ्टर ऑल ही इज दानिश, क्या कह सकते हैं। Once again, Pakistan Air Force. Referee की whistle के offside हुए हैं। पंजाब को game strategy थोड़ी तब्दील करनी पड़ेगी। मुबशिर ने back pass दिया अपने left full back को। अदील की लंबा shoot। नवीद की तरफ से ball आई। एक मरतबा फिर फैज के पास। लंबा shoot लगाया है। खतरनाक हो सकता था मगर थोड़ी सी एंटिसिपेशन सही नहीं थी। एक बार फिर हम यही देख रहे हैं कि रॉजर फाल्कन मुसलसल, आप देखेंगे कि पहली दफा नाम ले रहा हूं, वो रन नहीं कर रहे हैं बॉल को हासिल करने के लिए, बिल्कुल या तो उनको सही तरह खिलाया नहीं जा रहा या फिर वो सही पोजीशंस पर नहीं आ रहे हैं, समथिंग इज देयर, अगर सम इश्यूज। अगर आप देखते हैं कि आपकी मार्किंग बहुत सख्त है तो आपको स्पेस खुद क्रिएट करनी है, जगह बनानी है, मूव करते रहना है, वरना ये फॉरवर्ड लाइन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। मुजाहिद आपके सामने, ये कप्तान है पाकिस्तान एयरफोर्स के, साइड लाइन से बॉल बाहर गई,
मगर से पहले ही फाउल हुआ है। फाउल की किक लेने के लिए तैयार। सेंटर से इस बार मूव क्रिएट करने की कोशिश, जहां एक जमघट्टा सा था, गजनफर को बैक पास दिया गया है। गोलकीपर है पाकिस्तान एयरफोर्स के, गजनफर पासेस इट। उम्दा हिकमत अमली एयरफोर्स की कि गेम को खोल के खेल रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट विंग वासिफ, ये देखिए कितना लंबा चेंज करने की कोशिश की थी, कर्व नहीं हुआ। अगर ये कर्व होता तो यकीनी तौर पे वो बाल जाती दानिश के पास। बिल्कुल, वासिफ को भी वही गोल दिया गया, वही प्लान दिया गया है जो दानिश के पास है, बट लेफ्ट विंग से। द एग्जीक्यूशन ऑफ दानिश इज स्टिल फार अहेड फ्रॉम द लेफ्ट विंग। ये देखिए कितना खोल के गेम कर रहे हैं दानिश, और इसका बड़ा फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, स्पेस उन्हें मिल रही है, यहाँ से लंबा चेंज भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पासिस भी खेलते हैं, और यही खूबसूरती है अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स की गेम में। वासिफ से फहीम, एक बार फिर फहीम के पास बॉल, अच्छी ड्रिबलिंग का मुजाहिरा। सेंटर पे गेम इस वक्त चला रहे हैं, बॉल को आगे बढ़ा रहे हैं, बैक पास करके बॉल का कंट्रोल अपने पास रखे हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम। पोजेशन हाथ में रखकर मजीद प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं यहाँ पर पंजाब पर। गुड गेम प्लान एंड एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो गुड गेम प्लान, यकीनी तौर पर पंजाब के पास भी होगा। ये देखिए एक मतलब फिर खोल के गेम किया, दानिश को फीड किया जो बिल्कुल अकेले खड़े थे, मगर इस मरतबा बाल उनसे थोड़ी लंबी हुई, डिफेंडर साथ साथ है, राइट फुल बैक, उन्होंने बाल को क्लियर किया। फहीम तेजी के साथ आए, बाल का कंट्रोल हासिल किया, लंबा शूट फहीम का, बहुत उमदा ट्राई थी। इस मरतबा भी गोल पोस्ट से थोड़ी सी ऊपर, मिस्टेक्स पे मिस्टेक हो रही है। जब आपने बाल का कंट्रोल संभाल लिया था, आपको यकीनी तौर पर उसको सही तरीके से क्लियर करना चाहिए था। ये देखिए शूट, फहीम का शूट इस बार बिल्कुल सेंटर में थे, बैरली ओवर द गोल पोस्ट। अच्छा मिक्स कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम इस वक्त, कभी ग्राउंड पासिंग के जरिए, कभी एरियल पासिस के जरिए। आई रियली लाइक द वे दे आर प्लेइंग, जिस तरह से गेम को ओपन करके खेल रहे हैं। मीनवाइल राइट लेफ्ट विंग की जानिब से पंजाब ऑन अटैक, मगर यहाँ पे बाल छिनवा ली, उनके करीब कोई भी फॉरवर्ड नहीं था जिसे वो पास कर सकते, शॉर्ट पास कर सकते, और उसका यकीनी नतीजा ही निकला कि बाल छिनी, गलती हुई इस मरतबा भी। इस बार बॉल हासिल करने में कामयाब नेक, नेक पास करना चाहते थे दानिश को। फैज जेब के पास बॉल आती, मगर बीच में ही उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। पंजाब का डग आउट, रिजर्व प्लेयर। स्टिल अर्ली डेज इन दिस मैच, 27वां मिनट इस वक्त जारी है। फाउल दिया, इसी असना में साइड की साइड लाइन से थ्रो इन मिला है पाकिस्तान एयरफोर्स। एक गोल की सबकत हासिल किए हुए 27 मिनट खेल को हो चुके हैं। सेंटर में इस बार मुजाहिद को पास, मुजाहिद क्या कमाल वन टच हेड या कदमों का इस्तेमाल करके पास करते हैं और सेट करते हैं अपने स्ट्राइकर को कि वो हिट लगा सके। ओ दैट कर्व्ड वंडरफुल, यही एक कप्तान और सेंटर फॉरवर्ड की हिकमत अमली होती है। एंड द शूट्स रिमाइंड मी ऑफ रॉबर्टो कार्लोस, काफ़ी दूर से शूट कर रहे हैं। पुश किया था पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंडर ने। कल का मुझे गोल याद आ गया, जो लॉन्ग डिस्टेंस गोल था, आई एम श्योर नाम आपको याद होगा, इनाम रब्बानी का वो गोल था, नंबर 12। कमाल गोल स्कोर किया था कल इनाम रब्बानी ने। डेंजर जोन में इस वक्त पंजाब क्लेम कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम के हैंडबॉल था। अच्छा क्रॉस पास पर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। मुबशर ने क्रॉस जरूरत किया था, इनको हर चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर क्रॉस अच्छा होता है तो वहाँ पे कोई फॉरवर्ड मौजूद नहीं होता है, अगर फॉरवर्ड वहाँ पे मौजूद होते हैं तो क्रॉस सही तरीके से नहीं पहुँचा सकते, तो दोनों चीज़ों को हार्मोनाइज करना पड़ेगा अगर गोल को बराबर करना है। प्रिसिशन में कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है पंजाब की गेम प्ले में, और प्रिसिशन आपकी तब आती है जब आपको साथ खेलने का मौका मिलता है, जब आपको केमिस्ट्री क्रिएट करने का मौका मिलता है। वैसे ये क्या साइंस थी इरफान कि जो आपको चाय मिली, अच्छा वो छोट कम थी, मैं आप चाहते हैं मैं ज़्यादा पीऊँ। जी जी, आपने बहुत तारुफ कराया कि बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाज होते हैं, तो उसकी एक मिसाल भी देनी थी। देखिए अपने हिस्से की चीज़ आपको दे देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं बलूचिस्तान के लोग।
Irfan Sabir is just an example of it. Once again, Danish has been fed. Lamba pass diya hai Danish ko. Badi achhi hikmat e amli. Mansoor. और यहां से बैक किक करके अपने कप्तान को बॉल पहुंचाना चाहते थे. मुजाहिद बिल्कुल ओपन खड़े थे. The idea was to feed Fahim there, और फहीम सेट कर रहे थे मुजाहिद को. जबरदस्त कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है यहां पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से. एक बार फिर दानिश का थ्रो इन. It wasn't the referee wasn't ready for it, but that was a faulty throw in. पंजाब के फेवर में फाउल. They get the throw in. एक और फाउल पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से. खेल का 30वां मिनट जारी है. जियो सुपर की प्रोडक्शन आप देख रहे हैं. जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ अगर आप इन मैचेस की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, इन मैचेस को लाइव देखना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में नेशनल गेम्स में क्या हुआ था, तो आप www.jiosuper.tv/live लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. लंबा शूट लेने के लिए तैयार हैं. आइडिया यही है कि 18 यार्ड तक बॉल को पहुंचाया जाए, जहां से बॉल को आगे लिया जाएगा. गोलकीपर ने बड़े इत्मीनान के साथ बॉल को कलेक्ट किया. दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स माइट नॉट वर्क, दे कैन ओकेजनली वर्क, बट देर इज स्टिल एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन द मैच. बहुत ज़्यादा टाइम है. आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, छोटे बड़े पासिस के साथ फॉर्मेशन बनाएं. ये आखिरी वक्त के हरबे होते हैं, जब बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहे होते हैं, आप लंबे लंबे पास 18 यार्ड में फेंकते हैं. निक इस वक्त सेंटर लाइन से बॉल को लेकर आगे जाना चाहते थे. अच्छा प्रेशर एग्जर्ट किया उन पर मिडफील्डर्स ने पंजाब की जानिब से. देखिए अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब के डिफेंडर्स कोई भी ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं है. जहां सेंटर लाइन से बॉल आगे बढ़ती है, उसको घबराहट का शिकार होकर क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा और कंट्रोल लाना पड़ेगा पंजाब को अपनी टीम में. दे विल हैव टू बिलीव इन देयर सेल्फ. बहुत टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छी इनकी स्ट्रेंथ भी है. इसको अप्लाई करना पड़ेगा. एप्लीकेशन इज मस्ट इवन इफ यू आर द वर्ल्ड्स मोस्ट टैलेंटेड पर्सन. इस बार डीप पुश किया है बॉल को, बट द डिफेंडर फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स डिड वेल. अब्दुल रहमान डूइंग हिज जॉब. नवीद देखें, इतना तेजी से बॉल के ऊपर आए नहीं. जबकि आप रहमान को देखिए कि उन्होंने पहले बॉडी को आगे किया, कवर किया और बॉल को जाने दिया साइड. एटलीस्ट नवीद स्लाइड करके वहां पे कॉर्नर जरूर ले सकते थे. फुल एफर्ट से जाना पड़ेगा अब पंजाब को. बैक पास एक बार फिर गजनफर की जानिब. गोलकीपर है पाकिस्तान एयरफोर्स के. गोल किक लगाकर सीधा मुजाहिद के पास पहुंचाई बॉल. और अब की बार एक बार फिर दानिश को फीड किया गया है. दिस विल बी डेंजरस. दानिश गोज फॉर इट हिमसेल्फ. That was well struck. और रीबाउंड भी मिलने ही लगा था. तकरीबन बहुत उम्दा राइट विंग से एक मरतबा फिर एफर्ट किया और 100% मार्क्स टू दानिश. दिस गाय इज सीरियसली गुड आई टेल यू. बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ पासेज और अटेम्प्ट्स कर रहे हैं. मंसूर के पास बॉल. मिडफील्ड से गेम को आगे बढ़ाते हुए ईसा का पास. मंसूर ने एक बार फिर पुश किया डेंजर जोन की तरफ, बट थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग पुश हो गया. बहुत खतरनाक मूव बन सकती थी अगर ये बॉल सही देते. बहुत उम्दा खेल अब पाकिस्तान एयरफोर्स का. फ्रंट लाइन जो उनकी है, जो स्ट्राइकर्स हैं, वो बहुत उम्दगी के साथ ना सिर्फ बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि आपस में पासिस भी उनके बहुत ज़्यादा मेंटल हारमोनी उनकी नज़र आ रही है. मीनवाइल राइट विंग एक मतलब फिर एक्शन में. अच्छा ड्रिबल किया मुजाहिद को बॉल दी है. मुजाहिद आगे बढ़ते हुए यहाँ से मंसूर को देखेंगे, मगर अच्छा इंटरसेप्शन डिफेंडर का. बॉल लेने की अभी तगड़ा जारी. प्रॉब्ली एक आध एक्स्ट्रा टच ले लिया मुजाहिद ने यहाँ पर जब ही उनसे बॉल छिना. राइट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पंजाब दिस टाइम. लॉन्ग पास लेफ्ट विंग को फीड किया है यहाँ पर. हु मैनेजेस टू गेट टू द बॉल. दिस विल बी डेंजरस इफ दे हैव सपोर्ट. शूट किया उन्होंने, मगर एक मरतबा फिर आप देखिए इंतहाई फुकदान फिनिशिंग का. ना तो वो गोल पोस्ट की जानिब था, ना ही किसी अपने फॉरवर्ड को डायरेक्ट किया था उन्होंने. सो इट वाज ऑल वेस्ट. ये देखिए आप, ऐसा लगता है अपने दिमाग में कुछ घबराहट का शिकार हुए और उनकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं. एग्जैक्टली और थ्रो इन दे दिया. लंबा शूट सेंटर लाइन पे, एरियल शूट था एक मतलब फिर. रॉजर फेल्कन जमीन पे गिरे, रोका गया, मगर रेफरी ने कहा कि फाउल आपका ही है.
बल्कि थ्रो इन दिया है, बैग जो पार्ट कंफर्म करना पड़ेगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ज़मीन पे हैं रॉजर फैल्कन, क्योंकि उन्होंने जब स्लाइड किया था तो थोड़ी सी तकलीफ में थे। ये देखिए, यहाँ से जब जा रहे थे आगे, पीछे से आके उन्होंने टैकल किया, इसकी वजह से वो ऑलरेडी स्लाइड के मूड में थे। पब्लिक कोलिजन से चोट नहीं लगी रॉजर फैल्कन को, जब वो गिरे हैं तो उनका एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था, और ये अमूमन काफ़ी दर्द पहुंचाता है। एंकल ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो जाए क्योंकि पूरा बॉडी वेट आपका एंकल के ऊपर होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया शायद, बहुत बॉलिंग में तो आपको पता होगा, दर्द महसूस किया मैंने आपकी आवाज़। फास्ट बॉलर जब आते हैं, स्पेशली हम जब अपने दौर में खेलते थे तो ज़मीन इतनी हमवार अक्सर जगहों पे हमें नहीं मिलती थी, जंप के बाद जब आप लैंड करते थे तो कभी कभी ट्विस्ट कर जाता था एंकल। एनीवेज, वी होप रॉजर फैल्कन इज ऑल राइट एंड इट सीम्स ही इज गेटिंग बेटर। यू वुड प्रोबब्ली नीड द मैजिक स्प्रे, इट्स कॉल्ड मैजिक स्प्रे फॉर अ रीज़न, बट ही इज नॉट गेटिंग इट, ही जस्ट नीडेड वाटर। फीफा रेफरी हैं अब्दुल राजिक, मैच सुपरवाइज कर रहे हैं। मीनवाइल पंजाब को टाइम मिल गया है, उनके कोच खिलाड़ियों को बुला के हिदायत भी दे रहे हैं। कोच मैनेजमेंट यकीनी तौर पे इस चीज़ से परेशान होगी कि अब तक पंजाब की गोल एक टीम एक गोल के खसारे में है। 34वें कौमी खेलों के सिलसिले में खेला जाने वाला आज का पहला फुटबॉल मैच जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है। ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फुटबॉल ग्राउंड है, बट डोंट फॉरगेट बहुत सी इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं, वक्तन फवक्तन हम आपको वो भी दिखाते रहेंगे। इनकेस वी कैन नॉट शो यू दोज लाइव, वी विल शो यू द हाईलाइट्स फुटेजेस एंड अपडेट्स। मीनवाइल इस मरतबा अच्छा शूट था मगर फैज बाल को हासिल ना कर सके और अपनी टीम को भी फैजयाब ना कर सके। ये देखिए रॉजर का शूट, फैज आए तो जरूर थे मगर बाल तक पहुंच ना पाए। आपने दीगर खेलों का जिक्र किया आपने इरफान साबिर, तो विमेंस कैटेगरी के जो हॉकी इवेंट्स हैं वो अब सेमीफाइनल स्टेजेस में दाखिल हो गए हैं। अब से कुछ देर में हम आपको उनकी डिटेल्स भी बताएंगे। मीनवाइल अगर हम इस वक्त फुटबॉल स्टेडियम में देखें तो ज़बरदस्त मुकाबला जारी है पाकिस्तान एयरफोर्स, और ये वो मनाजर हैं जो अब से कुछ देर पहले के हैं जब पाकिस्तान आर्मी और एची के दरमियान विमेंस कैटेगरी का सेमीफाइनल खेला गया। नेशनल गेम्स हॉकी का ये विमेंस कैटेगरी का सेमीफाइनल है जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर साबित किया कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान आर्मी की विमेंस टीम ने शानदार खेल पेश किया और ये मैच भी 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीतने में कामयाब हुए। सिर्फ 3 गोल, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का मुझे याद है 27 गोल से हराया था बलूचिस्तान को। सिर्फ सेमीफाइनल स्टेजेस आ गए, जो दूसरी टीमें यहाँ तक आई हैं वो भी मेहनत करके आई हैं। एचसी की टीम अच्छी रही है थ्रू आउट। एक्जेक्टली, वंडरफुल टीम ऑफ एचसी। वो कहते हैं ना दूसरे भी खेलने आए हुए। मीनवाइल थ्रो इन मिला है पंजाब की टीम को, 38वां मिनट जारी है। शूट किया मगर गोलकीपर तेजी के साथ आए, कोई रिस्क नहीं लिया कि बाउंस हो सकता है, पंच किए दोनों हाथों से। नवीद बाल को लेके आगे जाना चाहते हैं, लेफ्ट विंग की जानिब से साथ साथ डिफेंडर मंसूर ने बड़ी उम्दगी के साथ बाल को हासिल किया, यहां से नेक को बाल दी, खत पास नवीद के पास आता, खतरनाक हो सकता है। यहां से शूट करना चाहा मुबशिर ने मगर बॉल छिनी। बिल्कुल, ईसा डिड रियली वेल देयर, मौका नहीं दिया वहां पर ज्यादा रन लेने का स्ट्राइकर को। हेड से बैक पास किया, पंजाब एक गोल के खसारे में। शौकत का आगे की जाने पास मगर से साइडलाइन से बाहर फेंका पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंडर ने। फीफा रेफरी अब्दुल राजिक, अदील का थ्रो इन, एक मतलब फिर वेस्ट गया,
यही वो एरर्स हैं जिसकी वजह से पंजाब की टीम अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना जरूरी है, एटलीस्ट प्रेशर एग्जर्ट करना जरूरी है पाकिस्तान एयरफोर्स पर। आप इस तरह अनफोर्स एरर्स करके अगर पोजेशन दे देंगे एयरफोर्स को तो वो चढ़ाई करते रहेंगे आप पे। टेम्पो को टेम्पो बरकरार रखना पड़ेगा पंजाब को अगर गोल इक्वलाइज करना है, मैच में वापस आना है। एक मरतबा फिर पंजाब बॉल हासिल की, यहां से लंबा शूट लगा के बॉल को क्लियर करने की कोशिश की, वहां फॉरवर्ड लाइन में मौजूद थे, बॉल उन तक पहुंचाने में कामयाब न रहे अरशद। इसी असना में थ्रो इन मिला है, नवीद ले रहे हैं थ्रो इन, अरशद बॉल को हासिल करते मगर बॉल काफी आगे, गोलकीपर गजनफर बिल्कुल तैयार थे, तेजी के साथ आगे आए, बॉल को कलेक्ट किया और आगे पास किया है। अच्छा पास गैप में मंसूर के पास, मंसूर बॉल को राइट विंग से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, ड्रिबल किया उन्होंने, बैक पास करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, डिफेंडर ने अच्छा इंटरसेप्ट किया। इरफान साबिर, मैं ये मैच एंजॉय करने के लिए आपको तने तनहा छोड़ के जाऊंगा क्योंकि अब बॉक्सिंग के इवेंट्स शुरू हो चुके हैं और बॉक्सिंग के मुकाबले क्वार्टर फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुके हैं। सो फुटबॉल मैच आपका और बॉक्सिंग हमारा, बेस्ट ऑफ लक दानिश, थैंक यू फॉर योर कंपनी। मीनवाइल नेक यहां से मुजाहिद के पास बॉल आई है, मुजाहिद ने पैरेलल पास दिया अपने राइट फुल बैक को, उसको एक गोल की सबका तब भी हासिल। मुजाहिद सेंटर लाइन के पास, यहां से लंबा पास उनका दानिश की जानिब, दानिश का ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया, आगे चले लाइन पे तेजी के साथ भगाया, अच्छे स्प्रिंटर हैं, बैक पास करना चाहते हैं, डिफेंडर ने उसे बीच में इंटरसेप्ट किया, कॉर्नर किक मिली है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम को। 41 मिनट हो चुके हैं अब तक पहले हाफ को, देखना यह है कि एडिशनल टाइम कितना मिलता है। देखिए यहाँ से किक करना चाहते थे, डिफेंडर बीच में आए और उसे रोका, आहिस्ता आहिस्ता मौसम की शिद्दत कम होते हुए हवा हल्की हल्की चल रही है, उस प्रेशर से नहीं चल रही जैसे कल थी। दानिश अच्छी किक ली है उन्होंने मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, मरतबा फिर बॉल को हासिल किया पंजाब ने, शौकत का लंबा पास रॉजर फैल्कन की जानेब मगर रॉजर फैल्कन बॉल तक ना पहुंच सके, गजनफर की उम्दा कारकर्दगी अब तक, टाइमली बाहर आते हैं नेक, मंसूर फिर नेक, मुजाहिद, मुजाहिद अब मिडफील्ड में आए हैं, हर तरफ फीड करते हैं, पैरेलल पास दिया मुजाहिद ने, दानिश बैक पास दानिश का, फिर मुजाहिद के पास बॉल आया, यहां गैप में बॉल देना चाहते थे मंसूर को मगर मंसूर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बॉक्सिंग के इवेंट्स साथ साथ चल रहे हैं वो भी हम आपको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। नेक के पास बॉल है, जहां से अपने कप्तान को दी, थ्रो इन हासिल करने में कामयाब हुई पंजाब की टीम, नवीद तैयार हैं थ्रो इन लेने के लिए, थ्रो इन लिया, बैक पास किया अरशद की जानेब, अरशद बाल को लेके आगे जाने जाते हुए साथ साथ उनके डिफेंडर बाल हासिल की, अच्छा गैप पास दिया है मंसूर को मगर मंसूर ऑफसाइड हुए, आइडिया अच्छा था मगर थोड़ा सा आगे निकल गए थे मंसूर।
लंबी किक एक मरतबा फिर यूजलेस साबित हुई। वासिफ बाल को लेके आगे चलते हुए, नेक को बाल उनका पास काफी आगे, पंजाब एक गोल के खसारे में, बाल मुजाहिद ने हासिल की। अच्छा पास, छोटे छोटे पास से आगे चलते हुए, वन टच पास देना चाहते थे मगर डिफेंडर वहां पे तेजी के साथ आए और बॉल का कंट्रोल संभाला। साइडलाइन से बॉल बाहर गई, थ्रो इन लेने के लिए बिल्कुल तैयार। रेफरी की विसिल के गलत थ्रो इन लिया है, छोटी छोटी गलतियां नुकसानदेह साबित हो सकती हैं अपने ही हाफ में। दानिश का थ्रो इन, दानिश ने भी सही थ्रो नहीं लिया एंड ही ऑलमोस्ट गिव इट बैक। फाल्कन, राजर फाल्कन, नवीद, नवीद के पास बॉल, यहां से चिप किया नवीद ने मगर कोई भी फॉरवर्ड वहां पे मौजूद नहीं। थोड़ी सी लंबी हुई इस मरतबा बॉल, बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश जारी। शौकत, शौकत का लंबा शूट, डिफेंडर वहां पे मौजूद, हल्का सा चिप करके बॉल को पहुंचाने की कोशिश की नेकालम के पास। रेफरी की विसिल के फाउल हुआ है, मुतमईन नहीं थे रेफरी जहां से फाउल की किक ली गई। मुजाहिद टीम के कप्तान है, यकीनी तौर पे मुतमईन होंगे अब तक की परफॉर्मेंस से अपने प्लेयर्स की। चौंतीसवें कौमी खेल, फहीम को बॉल देना चाहिए, नेकालम आगे आए मगर बॉल छिनी। रॉजर, रॉजर फाल्कन लेफ्ट विंग से 18 यार्ड में दाखिल हुए, ड्रिबल किया, यहां से शूट करना चाहते थे मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद और उन्होंने क्लियर किया, साइडलाइन से बाहर गई बॉल। थ्रो इन, बैक किया थ्रो, गजनफर हाथ से ही बाल को फेंका मुजाहिद के पास, थोड़ा सा इन डायरेक्टेड था। रेफरी की विसल और रेफरी का हाथ जेब में गया, येलो कार्ड किया है रेफरी ने, पहला येलो कार्ड इस मैच का। बड़े खतरनाक तरीके से इंटरसेप्ट किया था अदील ने। अगर इंटरसेप्ट ना भी करते तो बॉल काफी तेज थी, ये देखिए किस तरीके से अदील ने इंटरसेप्ट किया, खतरनाक हो सकता है 18 यार्ड में मगर डिफेंडर तेजी के साथ आए, बॉल को क्लियर किया, बॉल साइड लाइन से बाहर। वासिफ आए हैं थ्रो इन लेने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। खेल के आखिरी मिनट, एडिशनल टाइम देखना पड़ेगा क्या कितना है। मंसूर, मंसूर की किक बाहर गई, थोड़ा सा लंबा टच किया था। साथ ही साथ आप मुख्तलिफ खेल जो जारी हैं वो भी देख रहे हैं इसी अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसी के साथ पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों टीमें ने अगरचे जम के खेला मगर पाकिस्तान एयरफोर्स निस्बतन बेहतर रही पहले हाफ में, उनकी मूव्स काफ़ी यूजफुल थी, डेंजरस थी, साथ ही साथ उनकी आपस में जो जेल करके मेंटल हार्मनी थी वो भी बेहतर थी। पासेस छोटे बड़े मैच ऑफिशल्स ग्राउंड से बाहर आते हुए, लॉन्ग पासेस भी अच्छे थे, खुसूसन राइट विंग से दानिश ने भी बहुत उम्दा मूव्स क्रिएट की। ये पंजाब ने खेल शुरू किया था, शुरू से ही दबाव बढ़ाया ये दानिश, मोस्टली छाए रहे और उमदगी के साथ शुरू में ही मौका दिया जिसका भरपूर फायदा उठाया और गोल किया था पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। उसके बाद भी दानिश मुसलसल फीड करते रहे मगर कामयाबी
कोई भी हासिल ना कर सके। अगर दाद दी जाए पंजाब के गोलकीपर को, उन्होंने भी उम्दगी से कई हमलों को नाकाम बनाया। कुछ ऐसे शूट्स ज़रूर थे जो बड़े पावरफुल थे, डायरेक्शन भी सही थी, मगर एलिवेशन उनको ज़्यादा मिली, गोल पोस्ट के ऊपर से गए हैं कुछ शूट्स। गोल ये अहम बात थी कि गोल की साइडों में नहीं गए, डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा थी। इसी दौरान एक येलो कार्ड भी हुआ आदिल को, ये उसी येलो कार्ड के फाउल के सिलसिले में येलो कार्ड था। सो व्यूअर्स, इट्स अ फर्स्ट हाफ बिटवीन पंजाब एंड एयर फोर्स एंड दिस इज जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये हाफ टाइम यहाँ पे है, इस यकीनी तौर पे हाफ टाइम के दौरान पंजाब की टीम अपनी हिकमत अमली को, अपने गेम प्लान को ज़रूर थोड़ा सा अल्टर करेगी, क्योंकि इस प्लान के तहत तो वो गोल करने में कामयाब नहीं हुए, एक गोल के खसारे में है। अगर पंजाब की टीम ये मैच हारती है तो यकीनी तौर पे वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकती है।